बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे और उन पर फूल बरसाती प्रियंका गांधी। प्रियंका ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फूल क्यों फेंके? बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी सुनकर प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी की खिड़की से निकलकर कार की छत पर क्यों पहुंच गई? प्रियंका की गाड़ियों के काफिले के सामने बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे पोस्टर लहराने लगे, लेकिन साथ ही साथ हाथ हिलाकर प्रियंका का अभिवादन भी करने लगे। प्रियंका ने भी अपने पास रखी फूल मालाओं को उठाया और फूल तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर फेंकने लगे। बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे, फिर भी प्रियंका की मुस्कुराहट बनी रही और वो उनकी ओर फूल फेंकती रही। ये यूपी चुनाव की वो दिलचस्प तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी हरदोई के माधवगंज में जनसभा को संबोधित करके वापस लौट रही थी। इस बीच मल्लावा चौक पर बीजेपी के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। प्रियंका ने भाजपा समर्थकों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए भाजपा समर्थकों का अभिवादन करते हुए उन पर फूल बरसाए। माधवगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में प्रियंका गांधी एक जनसभा में शामिल होने आई थी। इसी दौरान मल्लावा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी थी। सीएम योगी की जनसभा समाप्त होने के बाद भाजपा समर्थकों की भीड़ वापस लौट रही थी, तभी प्रियंका गांधी का काफिला वहां पहुंच गया। बीजेपी समर्थकों को देखते ही प्रियंका अपनी गाड़ी के शीशे खोलकर छत पर चढ़ गई। उन्होंने भाजपा समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाया और उन पर फूल बरसाए। कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर में प्रचार के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले आमने सामने आ गए थे। तब अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी थे। दोनों ने प्रियंका का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जवाब में प्रियंका ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। राजनीति में ये माना जाता है कि विरोधी दल का व्यक्ति दुश्मन होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सियासत राजनीतिक संगम का ही खेल है। यहाँ नेता जब दल बदलते हैं तो उनके दिल भी फौरन बदल जाते हैं, और जब किसी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आते हैं तो अक्सर ऐसा मंजर बन जाता है कि सियासत सिर्फ अदावत की नहीं बल्कि एक दूसरे के अभिवादन की गवाह बन जाती है।